गायत्री मंत्र का सही लाभ लेने के लिए हमें गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:24 से 5:12 तक का समय होता है। इस मध्य में यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र कई गुना फलित होगा। गायत्री को त्रिकाल संध्या भी कहा गया है। दूसरा समय होता है शाम को सूर्य अस्त के आधे से पौन घंटा पहले और सूर्य अस्त के आधा घंटे बाद तक। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो वह समय भी आपके लिए लाभदायी माना गया है। दोपहर 12 भी आप गायत्री की साधना कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्य अस्त के पहले इन दोनों समय पर जो व्यक्ति साधना करता है उसमें गायत्री मंत्र जल्दी फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह आप साधना करते हैं उस समय आपको स्नान आदि करने के पश्चात ही पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। बगैर स्नान किए गायत्री मंत्र की साधना नहीं करना चाहिए। दोपहर को यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं और इस बीच में यदि आप शौच इत्यादि क्रिया में नहीं गए हैं तो अपने हाथ पैर धो करके फिर आप पूजा स्थली पर बैठ करके षटकर्म करके फिर आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। शाम के समय भी स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुबह से शाम तक के मध्य में शौच इत्यादि क्रिया के लिए गए हैं तो फिर आपको स्नान करके फिर साधना में बैठना चाहिए, अन्यथा हाथ पैर धो करके और कोरे वस्त्र पहन करके फिर आप बैठ करके साधना कर सकते हैं। रात्रि 8 से लेकर के 4 तक गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए, उसका जाप नहीं करना चाहिए। वह वाम मार्ग की साधना होती है उस समय गायत्री की, उस समय तांत्रिक साधना की जाती हैं। दक्षिण मार्ग की साधना उस समय नहीं की जाती हैं, इसलिए रात्रि 8 से 4 तक का जो है समय निषेध रहता है। उस बीच में आप गायत्री का मानसिक जाप आप कर सकते हैं। मानसिक जाप करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रहती। आप कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, वाहन चलाते समय, ऑफिस में खाली बैठे उस समय कभी भी आप मानसिक जाप आप कर सकते हैं। उसमें स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक जाप इस प्रकार से किया जाता है, जिस प्रकार जैसे हमारे मुंह बंद है, इसमें अंदर ही अंदर जो है आपको जाप करना पड़ता है। और जब अपन जाप करते हैं माला से लेकर के, तो उस समय आपके ओंठ हिलना चाहिए, जीभ जो है वो तालू पर लगना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। जैसे हम आपको बुदबुदा के बताते हैं, इस प्रकार से आपके ओंठ हिलना चाहिए और जीभ जो है आपकी तालू पर लगना चाहिए, तो फिर आपको गायत्री मंत्र जल्दी फलित होगा। जो व्यक्ति रात्रि में ड्यूटी करते हैं या जिनकी शिफ्टों में ड्यूटी चलती है तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए। जिस सप्ताह में उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है तो सुबह उनको कितने बजे साधना करना है, और जिस समय उनकी दिन को ड्यूटी चलती है तो उस समय उनको कब साधना करना, उसका समय उनको निर्धारित कर लेना चाहिए और एक ही समय पर साधना करना चाहिए। साधना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने सुबह 5 कर ली, फिर 4 कर ली, कभी 10 कर ली, ऐसा नियम नहीं करना चाहिए। साधना के समय उसका समय और जप की संख्या निर्धारित होना चाहिए। साधना का समय निर्धारित होना चाहिए, उसी समय पर आपको प्रतिदिन साधना करना चाहिए, और जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि आप यदि 24 मंत्र का जाप करते हैं, 108 करते हैं, या 3 का जाप करते हैं, 5 का जाप करते हैं, तो जो भी करते हैं उसमें आपका जो है अंतर नहीं आना चाहिए। बार बार जो भी आपका संख्या है उसको आप पहले निर्धारित कर लें, उसके पश्चात आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री मंत्र आपको फलित। तो गायत्री मंत्र जपने का आज हमने आपको विधि बताई कि गायत्री मंत्र आपको कब कैसे जपना चाहिए। माला का जहाँ तक सवाल है, आपको सफ़ेद चंदन की माला या तुलसी की माला से आपको जाप करना चाहिए तो ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्षी माला से जाप नहीं करना चाहिए।